हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तेजिका कृष्णा पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ये सारे फ्लावर्स को हम अटैच कैसे करेंगे। आज के वीडियो में देखेंगे कि ये जो टेबल मैट है या थाल पोस है, इसे हम कंप्लीट किस तरीके से करेंगे। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो ऑरेंज फ्लावर है ये मिडिल पोर्शन है, तो पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल। यहाँ पर इस बीच वाले फ्लावर में मैंने तीन तीन फ्लावर्स ऐड किए हैं। हर दो पेटल में थ्री थ्री फ्लावर्स ऐड करके उसे कॉर्नर बने हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। पहले दो फ्लावर, फिर तीन फ्लावर, फिर चार फ्लावर। इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे तो आपको बनाने में इजी होगा। आप चाहे तो इसमें और फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर बस थ्री सर्कल्स ही रहने दूंगी और अब लास्ट राउंड में यहाँ पर क्रिएट करूँगी। लास्ट सर्कल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉर्नर से स्टार्ट किया है और इस फ्लावर को भी हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि अभी तक हम बना रहे थे। मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो ऐसे ही काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं बनाने के बाद दिखाती हूँ कि बनने के बाद वो कैसा दिखेगा। सो गाइस, यहाँ पे मेरे सारे सर्कल्स बन के रेडी हैं। ये जो बीच वाली फ्लावर है, ये मिडिल पोर्शन, ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकेंड सर्कल, ये थर्ड सर्कल और ये लास्ट वाली फोर्थ सर्कल। लास्ट वाली राउंड बनाते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कॉर्नर के फ्लावर्स होंगे उसके दो दो पेटल्स तीन तीन बारी करके जॉइंट होंगे, जैसे कि ये वाइट वाले फ्लावर में जॉइंट हुआ और ये ग्रीन वाली फ्लावर, जैसे एक दो तीन तीन बारी जॉइंट हुई है, और ये जो बीच में जो फ्लावर्स हैं इनके दो दो पेटल्स करके चार चार बारी जॉइंट होंगे। अब हम देखते हैं कि इसके बाद वाली जो लेयर है वो किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैं रेड कलर की वूल से स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से एक नॉट बना लूँगी और जो कॉर्नर वाली फ्लावर है उसका जो मिडिल का येलो पोर्शन है वहाँ से क्रोशिया हुक को इस तरीके से ले जाकर यहाँ पर 23 चेन्स बना लेंगे। चेन्स बनने के बाद जहाँ पर हमने फ्लावर के दो पेटल्स को अटैच किया था वहाँ पर एक इस तरीके से सिंगल क्रोशे बना लेंगे और फिर से 23 चेन्स बनाकर इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो अभी राउंड बन के कम्प्लीट है। अब देखते हैं कि जो लास्ट चेन है उसे हम कैसे कंप्लीट करके कट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ये 23 चेन्स मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब बस मैं इसे अटैच कर दूंगी। यहाँ पर जो मैंने सबसे पहला वाला चेन बनाया था उसमें इस तरीके से क्रोशिया हुक को ले जाकर एक स्लिप स्टिच दे दूंगी और जो थ्रेड है उसे कट कर दूंगी। अब इस वूल को सामने से क्रोशिया की हेल्प से पीछे की ओर लेकर आएंगे और नीडल की हेल्प से इसमें छिपा देंगे ताकि वो थोड़ा नीट और क्लीन लुक दे।
सो गाइस अब ये राउंड बन के एकदम कंप्लीट है। इसके बाद वाली जो लेयर है वो मैं ऑरेंज कलर के वूल से बना रही हूँ। तो ऑरेंज कलर के वूल में सबसे पहले एक नॉट देंगे और रेड कलर का जो हमने यू शेप बनाया था वहाँ पे इस तरीके से क्रोशा हुक को ले जाकर यहाँ पे एक ऑरेंज कलर से इस तरीके से चेन बनाना हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर फिर से 23 चेन्स बनने के बाद जो नेक्स्ट रेड वाली यू शेप्ड है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर से दोबारा चेन्स बना बना कर इसी तरीके से हम पूरा राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब ये जो ऑरेंज कलर की एक्स्ट्रा वूल बच गई है उसे क्रोशिया के हेल्प से जो ऑरेंज कलर का चेन हमने बनाया था उसी में इसे बुन देंगे। अब जो ये थोड़ी सी वूल बच गई है इसे कट करके हटा देंगे। एंड गाइस अब ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने चेन्स के लेयर बना लिए हैं और यहाँ पर मैंने 3 कलर्स का यूज किया है, रेड, ऑरेंज एंड येलो का। और इसके बाद वाली जो लेयर है वो मैं बीड्स की देने वाली हूँ। गाइस ये बनने के बाद इसकी जो फुल पिक्चर होगी मैं उसे अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी अपलोड करूँगी, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके बाद वाली लेयर को बनाने के लिए मैंने वुल में कुछ बीड्स को पिरो लिया है। मैंने यहाँ पे पिरोने के लिए ऑरेंज एंड पर्पल कलर की बीड का यूज़ किया है क्योंकि मेरे जो येलो कलर के चेन्स थे वो टोटल 45 है, तो मैंने पर्पल बीड्स को भी 45 ही रखा है और पर्पल बीड्स के आगे 6 बीड्स को लगाया है, 6 ऑरेंज बीड्स को, और पर्पल बीड के बाद में भी 6 बीड्स को भी लगाया है सो दैट ये जो पर्पल वाली बीड है वो चेन के बीचों बीच आए। तो अब देखते हैं कि ये बीड्स को हमें कैसे लगाना है। स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर 1 से 1.5 फीट जितना वुल खाली छोड़ेंगे। और गाइस पहले की तरह यहां पर भी चेन देने के लिए हम एक नॉट से ही स्टार्ट करेंगे। नॉट देने के बाद येलो कलर की जो चेन है उसमें इस तरीके से एक चेन देंगे पहले और इस चेन को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। थोड़ा मतलब इतना बड़ा कि जो वुल हमारा है वो इसमें से पास हो सके। इस तरीके से हाथ को रख के फिर जो वुल है उसमें से इस तरीके से पास कर लेंगे। ऐसा करने से यहाँ पर एक गीथ बन जाएगा जिसकी वजह से मोती है वो भी नहीं निकलेगा और जो वुल है वो भी नहीं खुलेगा। अब हमें यहाँ पे 6 ऑरेंज कलर की मोती, 1 पर्पल मोती और फिर से 6 ऑरेंज कलर की मोती को एक तरफ कर लेना है। गाइज वीडियो में रिकॉर्डिंग की गड़बड़ी की वजह से मैं ये फर्स्ट चेन आपको नहीं दिखा पाई पूरा, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग का पार्ट दिखा दिया है कि कैसे अटैच करना है और अब जो ये जो मैंने सेकेंड टाइम ये वाली जो अटैच की है वो कैसे मैंने की है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। मोती को एक तरफ ले आने के बाद से हमें यहाँ इस तरफ एक नॉट बना लेनी है
और जो नेक्स्ट वाली चेन है जहाँ हमें इसे अटैच करना है वहाँ पे एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और फिर से जो ये चेन है उसे हम इतना बड़ा बनाएंगे ताकि वहाँ से जो वुल का गोला है पूरा वो पास हो पाए। देखिए इसको बड़ा करके हाथों से इस तरीके से पूरे गोले को दूसरी तरफ ले आएंगे। ऐसा करने से यहाँ पर एक गीत बन जाएगा। ये देखिए ऐसा करने की वजह से कोई भी चेन है वो लूज नहीं होगा और जो मोती है वो भी इधर उधर नहीं होगा। अब फिर से दूसरा चेन बनाने के लिए 6 ऑरेंज मोती, 1 पर्पल मोती और फिर से 6 मोती को दूसरी ओर ले जाएंगे। देखिए गाइज इस तरीके से फिर से यहाँ पे एक नॉट बनाएंगे। ये देखिए हमने एक नॉट बनाया और नेक्स्ट वाली जो चेन है, ये जो नेक्स्ट वाली येलो चेन है यहाँ पर ले जाकर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। गाइज ये वाली प्रोसेस मैं आपको एक दो बार और दिखा देती हूँ ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए। गाइज ये थालपोस बनने के बाद कैसा दिखेगा इसकी पिक्चर मैं यहाँ पे तो नहीं दिखा सकती हूँ, बट मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मैंने वो पिक्चर अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड की है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गाइज़ मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में जो मैंने आपको चेन बनाने का एक नया तरीका बताया वो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।